तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी के भीतर ये मंथन सीटों को लेकर, उम्मीदवारों के नाम को लेकर, और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से हमला बोला गया है। अनुराग ठाकुर ने सीधे निशाने पर राहुल गांधी को लिया है। कह रहे हैं गांधी परिवार उत्तर प्रदेश से पलायन कर गया है। कांग्रेस की प्लानिंग उत्तर प्रदेश में कहीं नजर नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस को करारा जवाब देने की तैयारी में, ये कहना है अनुराग ठाकुर का। लगता था गांधी परिवार पलायन कर गया है, पर उनकी प्लानिंग में उत्तर प्रदेश कहीं नजर ही नहीं आता था। राहुल गांधी जी तो वायनाड में जाकर उत्तर प्रदेश के लिए जो शब्द बोलते थे यहाँ के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। और आपने तो देखा जब आप आए थे तो 40 लोग आसपास नजर नहीं आए। क्या सोच के चुनाव लड़ेंगे? वायनाड में भी कम्युनिस्टों ने रंग दिखा दिया है और उत्तर प्रदेश की जनता तो करारा जवाब देने का इंतजार कर रही है। तो देखिए किस तरीके से बीजेपी की तरफ से निशाने पर गांधी परिवार को लिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से पलायन कर गया है गांधी परिवार, क्योंकि सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं वायनाड से तो राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतरने जा ही रहे हैं। वायनाड मतलब केरला। और ऐसे में कांग्रेस और लेफ्ट का क्या समीकरण रहने वाला है, अब जरा ये समझ लीजिए आप। त्रिपुरा में लेफ्ट के साथ कांग्रेस पार्टी जा रही है, केरल में लेफ्ट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जा रही है, पश्चिम बंगाल को लेकर सस्पेंस अभी बना हुआ है। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है कहीं साथ और कहीं आमने सामने की लड़ाई की तैयारी है। सीधे रुख करते हैं जनेंद्र का और समझते हैं जरा कांग्रेस और लेफ्ट के बीच के इस समीकरण को, कहीं साथ और कहीं आमना सामना, रणनीति क्या है? बिल्कुल रुमाना, एक तो देखिए ये सभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा जरूर है प्रधानमंत्री मोदी को हैट्रिक बनाने से रोकने के लिए, लेकिन इनमें आपस में भी प्रतिस्पर्धा है कि कौन ज्यादा सीटें जीतेगा। और इसी वजह से केरल में कांग्रेस बनाम लेफ्ट की लड़ाई है। आप देखेंगे तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो गठबंधन में लड़ रहे हैं वो पंजाब में आमने सामने हैं। और राहुल गांधी इसीलिए वायनाड से एक बार फिर उतरे हैं रोमाना, ताकि राहुल गांधी के लड़ने से केरल की ज्यादा सीटें कांग्रेस की तरफ झुक सकती हैं, राहुल गांधी के लड़ने से माहौल बनेगा। तो साफ तौर पर आपस में प्रतिद्वंदिता है और केरल में तो वो पुराना एलडीएफ बनाम यूडीएफ चला आ रहा है और उसी का एक और अध्याय लोकसभा चुनाव में लिखा जाएगा। केरल की 20 सीटों में कांग्रेस 16 पर लड़ती है, बाकी 4 वो अपने सहयोगियों को देती है और लेफ्ट भी सीपीआई सीपीएम और उसके जो अन्य सहयोगी हैं वो सब लोग लड़ते हैं। तो और आमने सामने की लड़ाई इस दलील से लड़ते हैं कि यहाँ पर तो बीजेपी है ही नहीं। तो केरल में देश भर की जो में जो राजनीति देखने को मिलेगी, कांग्रेस बनाम बीजेपी या कहें इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन, वो केरल में देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए दोनों जो पार्टियां हैं, चाहे लेफ्ट हो या कांग्रेस हो, उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत करके संसद में पहुंचे, ताकि संसद में जो ताकत है वो बढ़ती नजर आए। एक अहम बात ये भी मैं दर्शकों को यहां पर बता देना चाहूंगा कि जहां एक तरफ केरल में लेफ्ट के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई गई है, वहीं त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, उसमें से 1 सीट पर कांग्रेस लड़ने जा रही है और 1 सीट पर सीपीएम लड़ने जा रही है। हालांकि अभी तक इस गठबंधन का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कल कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक में केवल 1 सीट पर ही मुहर लगाई गई। बिल्कुल, ये बताया हमने दर्शकों को कि त्रिपुरा में लेफ्ट के साथ गठबंधन में जाने की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी। केरल में हालांकि आमने सामने की लड़ाई के लिए कमर कस ली गई है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।